आपने जो भी एक बड़ा फैसला लिया है अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए, ये आप कहाँ से लड़वा रहे हैं? बेगूसराय जिला के बछवाड़ा विधानसभा से हमने अपनी पत्नी श्रीमती जीपी जी को चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है और यह बेहद अहम फैसला है। अब तक हमने कोई विचार नहीं किया था कि हमें कहीं से चुनाव भी लड़वाना है। आप देखे होंगे कहीं किसी प्रकार की कोई मीडियाबाजी नहीं, कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं, क्योंकि हम मूड में ही नहीं थे कि हम चुनाव लड़े, हमारे घर के परिवार को चुनाव लड़े। हमने तो बिहार के 12 करोड़ आवाम से ये कमिटमेंट किया है कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़े। लेकिन जैसा आप पिछले दिनों देख रहे होंगे, हमारे अतिरिक्त प्रत्याशी का जो नॉमिनेशन है साजिश के तहत रद्द कर दिया गया सत्ता का दुरुपयोग करके। उसके बाद ब्रह्मपुर के जो विधानसभा प्रत्याशी थे वो सिंबल लेकर जाते हैं और वहाँ पर बतौर निर्दलीय उनका नॉमिनेशन कर दिया जाता है। हमारे और भी कई विधानसभा प्रत्याशियों को धमकी दी जाती है और उन्हें हमारे बछवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है। तो हमें लगता है कि हम पर्दे के पीछे से रह के लड़ाई नहीं लड़ सकते और हमने यदि कमिटमेंट किया है बिहार के 12 करोड़ आवाम से कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमने अपने लिए किया है, हम सेवक बन के आपकी सेवा करते रहेंगे। लेकिन अब हमें परोक्ष रूप से सामने आकर लड़ना होगा और जो लोग धमकी देते हैं, जो लोग नॉमिनेशन रद्द कराते हैं, जो लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उनको खुलेआम चुनौती है, यदि है आप में ताकत तो हमें रोक कर देखिए, यदि है आप में ताकत तो हमारे नॉमिनेशन कैंसिल करा कर देखिए। 16 तारीख को मेरी धर्मपत्नी लिपि जी के साथ हम भी मौजूद रहेंगे और धूमधाम के साथ हम लोग पछवाड़ा में नॉमिनेशन कराएंगे और चुनावी बिगुल का आगाज करेंगे। चुनावी बिगुल तो आज ही फूंक दिया गया है, तैयारी जोर शोर से है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मगध से लेकर और मिथिला तक का गठबंधन होगा। इस बार मगध की बहू मिथिला की धरती पर जाकर वोट मांगेगी और आप समझ सकते हैं कि बिहार के 243 विधानसभा चाहे किसी भी कारणवश हो, लेकिन यदि हमने बछवाड़ा को चुना है तो बछवाड़ा की जनता पर हमें कितना विश्वास होगा। हम एक बार निवेदन करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि यह लड़ाई अब अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, यह लड़ाई अब बिहार के अस्तित्व के, बिहार की अस्मिता की, आपके समाज की अस्मिता की लड़ाई है। इसमें खुलकर आइए, खुल के सहयोग कीजिए।